जिहड़ा कल साडे एमएलए साहिबान ते हमला होया उहदे विरोध च असीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहला तो एमएलए साहिबान ते हमला होया, उदों पहला फॉरेस्ट ऑफिसर्स नूं मारिया गया। असीं पंजाब दे जिहड़े पदार्थ ने उहनां दी लुट नहीं बर्दाश्त करांगे। कैप्टन सरकार ने पंजाब दे सारे रिसोर्सिज नूं लुटाउण दा टीचा बन्निया। तरक्की का की लियानी सी, साल डेढ़ जो तरक्की करन दे ने वादे किए सी, वो अज सब दे सामने ने, सब की जिंदगी बद तो बदतर हो रही है। असी पंजाब दे रिसोर्सिज की लुट नहीं बर्दाश्त करांगे। तुसी तीजे सज्जनों प्रेस वाले जिन्होंने पूछा, जे तुसी दसो कि जे कोई पैसे मंगन जांदा तां नाल मीडिया लैके जांदा, तो जिहड़ा बंदा पैसे मंगता वो चार दवारी बैठ के मंगूगा कि ओपनली जाके अगले नूं एक्सपोज करन जाऊगा? वो एक्सपोज करन गए तां उहने सट्टां वजी। बिल्कुल सरकार का हाथ है, सरकार की मर्जी तो बिना काम ही नहीं चलता। जेड़े पुलिस वाले उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने लाइन हाजिर कर दिता गया, तो उन्होंने पुलिस वाले की पग्गा लाइया गई, एमएलए साहब दी पग्गा लाइया गई। यह तो थोड़ा की पता लगता कि ऑब्वियसली ताकत उन्होंने पिछे ने जिड़िया कि लुटदा दे विच उन्हां दी मदद कर रही है। सर मैंने एक छोटी जी गल दसो, जे कोई इन्ना थोड़ा समर्थक हो बंदे पागल तो है नहीं कि जाके अपने समर्थकों को रोकणगे? तो संदोया साहब जी लोगों के हक लिए लड़ रहे हैं, कोई बंदा इलेक्शन मेरे को आके मेरी मदद कर दो, मुड़ के कहे जी नहीं तुम एमएलए मैं लुट्ट दौ, यह तो बर्दाश्त नहीं हो सकता ना। सर फोटो तो अज मैं थोड़े चेहरे पर किसी की फोटो ला दिना, थोड़ी बॉडी से एडिट करके ला दिना, जे वो बंदा इलेक्शन नाल भी सी चलो फर्ज करो नाल सी, पर अज जे वो लुटूगा पंजाब दे रिसोर्स नूं की असीं वो बर्दाश्त करांगे? एमएलए लोगों का नेतृत्व करता है, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों की लुट, लोगों के रिसोर्स की लुट नूं रोकूगा ही रोकूगा।